हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये है मेरा मॉर्निंग मिनी व्लॉग। तो ये जी मेरा नाश्ता है, करेले की सब्ज़ी या कद्दू चिकन है और साथ चाय, कैरल का पराठा और मेरा खुश्क रोटी है। तो जी मैं आपको आज ये बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे ना खाएं तो आप उसे किस तरह एग्री कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी पसंदीदा चीज़ दे और उसे कैसे कन्वेंस कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को जो है बताऊँगी। ये देखिए, सारा पराठा ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं था कि कैरले पराठा खाना नहीं था, इसका थोड़ा सा मूड ऑफ था। पता नहीं मतलब मूड क्यों ऑफ था, क्योंकि इसके जब पापा सुबह इसके पास ना आना हो तो इसका मूड ऑफ हो जाता है। तो मैंने इसे थोड़ा सा कन्वेंस किया, तो इसने चिकन के साथ पहले पराठा किया और अब ये जो है ना क्या, अब ये कद्दू के साथ भी ये पराठा खा रही है। बस फुल हो गए, अभी कैरल ने डकार भी मार दिया और कैरल हो गए फुल। तो कैसे मैंने इसे कन्वेंस किया अभी आप लोग देखना। तो ये देखिए, ये सारा अपना पराठा जो ख़त्म कर चुकी है। तो ये हमने नाश्ता कर लिया है और ये मैंने भी बचा दिया, कैरल ने एक न वाला बचाया है। और कैसे बच्चों को एग्री करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो लगाती हूँ, आप देख लें। बच्चों को प्यार से डील करें, आप लेट गए और ये सब कुछ अच्छे से सीख जाते हैं। क्या है? अभी नाश्ता करके लेट लिया है मेरा बेबी। तो चलो उठो, हैंडी तो वॉश करे, हैंडी वॉश करे। चल कम, मम्मा थक गई। कम बोटी के साथ, बोटी बोटी। एलिफेंट अपना सीधा करो। क्या खाना ना खाए तो मैं एलिफेंट को दे दूंगी। ओके ओके, सारा पराठा खा लेना वरना मैंने एलिफेंट को दे देना। ओके ठीक है। अरे एलिफेंट खा लेगा तो फिर कैरल क्या खाएगी? ये सारा पराठा तो कैरल ही खाएगी है, ये सारा पराठा कैरल खाएगी वरना एलिफेंट खा लेगा। आप खा लो, आप खा लो। ना 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 ना, ये तो मेरे कैरल का पराठा है। यस, कैरल का फ्रेंड तो कुछ भी नहीं खाता है, बस कैरल ही सब कुछ खाती है। यमी यमी पराठा है। ओके, सारा फिनिश करेगा मेरा बच्चा। अगर आपके बच्चे कुछ ना ना खाएं तो आप ऐसे ही ना इन्हें हैंडल करें और इनको हेल्दी खिलाएं ज़रूर, और क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी चीज़ें खाएंगे अगर तो ये भी खाती है दूसरी चीज़ें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मैं से ना गाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों से भी वो ज़रूर शेयर करूँगी।